हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ड का लास्ट लेक्चर, दैट इज़ व्यू टैब। व्यू टैब के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आज डॉक्यूमेंट व्यूज, शो, जूम, विंडोज एंड मैक्रोज। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉक्यूमेंट व्यूज में। पहला ऑप्शन है आपका प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट मतलब जैसा बाय डिफॉल्ट है वैसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई तरह का आपको चेंजेस दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है इसके अंदर फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन अगर आप करते हो तो बिग स्क्रीन में आपका पूरा ओवरऑल लेआउट आपको यहाँ पे बताएगा। आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हो। वेब लेआउट करोगे तो एकदम बड़े टैबुलर फॉर्म में आपको ऐसा व्यू दिखाएगा। अगर आप आउटलाइन करोगे तो आउटलाइन में आपको ऐसा व्यू दिखाएगा। और लास्ट आपका जो व्यू है दैट इज ड्राफ्ट व्यू, तो ड्राफ्ट व्यू में आपको ऐसा दिखाएगा। प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन व्यू एंड द लास्ट इज ड्राफ्ट व्यू। ये बेसिकली आप आपका डॉक्यूमेंट कैसे व्यू कर सकते हो एट द टाइम ऑफ प्रिंटिंग। आपको आपका डॉक्यूमेंट कैसे व्यू करना है तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट व्यूज वाला पार्ट यूज कर सकते हो। बेसिकली हम लोग कौन सा यूज करते हैं, प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दिया, रूलर। रूलर मतलब यहाँ पे टॉप ऑफ द पेज पे जो स्केल आती है, अगर आपको ये रखना है तो आप रख सकते हो, हटाना तो आप हटा सकते हो। ग्रिड लाइंस, पेज के ऊपर ऐसे ग्राफिकल लाइंस आएंगे जो आपको यूज करना तो आप कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे से आपका चेकबॉक्स हटा सकते हो। नेविगेशन जो पेन है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था अगर आप लोगों को याद होगा तो, जिसे हमने फाइंड रिप्लेस किया था, डायरेक्टली हम यहाँ से भी कर सकते हो। साइड में यहाँ पे नेविगेशन बॉक्स खुलेगा, हम यहाँ से भी फाइंड रिप्लेस जो भी हमको करना है यहाँ पे से हम वो यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया आपको जूम। आपको आपके पेज को कितना परसेंट जूम करना है, यहाँ पे सारे परसेंटेज के वो खुलेंगे। सपोज मैं यहाँ पे 200 करती हूँ और इसको ओके करती हूँ तो जो मेरा डॉक्यूमेंट है 200% में जूम हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो हम लोग जूम रखते हैं दैट इज 100%। अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल पेजेस है, फॉर एग्जाम्पल मैं इंसर्ट में जाके यहाँ पे से एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, वन पेज करूँगी तो बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर मैं टू पेजेस करती हूँ तो साइड बाई साइड में जितने भी पेजेस रहेंगे यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे। और पेज भी मतलब जो मेरा नॉर्मल साइज जूम इन साइज रहेगा वही आपको दिखाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका न्यू विंडो। न्यू विंडो मतलब अभी जैसे यहाँ पे मेरा वर्ड का एक ही डॉक्यूमेंट खुला है, डॉक्यूमेंट वन, तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, न्यू विंडो ले लेती हूँ यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा एक दूसरा डॉक्यूमेंट खुल गया है वर्ड का, दैट इज डॉक्यूमेंट 1.2। सेम इसका मेरा एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डॉक्यूमेंट 1.2, जिसको हम न्यू विंडो बोल के एक नया फाइल भी ओपन कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी होता है, आप कंट्रोल एंड करोगे तो आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया अरेंज ऑल। जितने भी विंडोज आपने ओपन किए वो टाइलिंग फॉर्म में आ जाएंगे ऊपर नीचे, जैसे डॉक्यूमेंट 1.1 और डॉक्यूमेंट 1.2, टाइल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ऊपर और नीचे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया स्प्लिट। स्प्लिट पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक कर्सर पे मेरा एक स्प्लिटर आ गया, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। आधा आधा फॉर्म में आप आपका डॉक्यूमेंट दे सकते हो। सपोजिंग अगर आपको यही डॉक्यूमेंट व्यू करना है, आपको देखना है कि आपका ये पैराग्राफ सिमिलर है टू नेक्स्ट पैराग्राफ, तो आप स्प्लिट डॉक्यूमेंट यूज़ करके कर सकते हो। स्प्लिट हटाना अगर आपको तो आप रिमूव स्प्लिट करिए, आपका स्प्लिट जो है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया व्यू साइड बाय साइड। आपको दोनों डॉक्यूमेंट को देख के आजू बाजू में काम करना है, लाइक दो डॉक्यूमेंट आजू बाजू में आपको कंपेयर करना है इसको, तो आप व्यू साइड बाय साइड करोगे तो आप दिख रहा है आपको यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। मैं ये दोनों साथ में मूव होंगे, अगर मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ साथ में स्क्रॉल होता है। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करती हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी वही चेंजेस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्यू साइड बाय साइड। सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग मतलब वही होता है कि साथ में हम हमारे डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, स्क्रोल कर सकते हैं। रीसेट विंडो पोजिशन जैसे पहले की तरह थी वैसे हमारी विंडो हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया इसके अंदर स्विच विंडो। सपोजिंग आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन है, मल्टीपल विंडोज अगर आपके पास ओपन है तो आपको पर्टिकुलर अभी कौन सी विंडो पे जाना है तो आप स्विच विंडो पे जाओगे। सपोजिंग मुझे डॉक्यूमेंट 1.1 पे स्विच करना है फर्स्ट विंडो पे, तो वो विंडो पे क्लिक करोगे तो मेरे वो विंडो क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और लास्ट ऑप्शन है आपका दैट इज मैक्रोज। मैक्रोज बेसिकली हमारा क्या होता है, एक रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ये कट कॉपी पेस्ट जैसी होता है लेकिन कट कॉपी पेस्ट से ज़्यादा एडवांस है। क्यों एडवांस है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें आपको कंट्रोल जेड, अंडू और रिडो से भी वापस नहीं मिलती है, ना कंट्रोल वाई से मिलेगी ना कंट्रोल जेड से मिलेगी। ये रिकॉर्डिंग आपकी सेव रहेगी, तो इन फ्यूचर अभी आप कभी एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो आपको ये फाइल यहाँ पे रेडीमेड ओपन मिलेगी। मैं बताती हूँ इसको करना कैसे है। सपोजिंग एक लाइव भी बताती हूँ और आपको एक कॉपी पेस्ट करके भी बताती हूँ मैं। ये मेरा एक पैराग्राफ है, इसको मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी करके, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देती हूँ। कॉपी करके रखा, मैक्रो में जाऊँगी, रिकॉर्ड मैक्रो करूँगी। मैक्रो का नाम है मैक्रो 6। अगर आपको आपका कोई नाम देना तो आप दे सकते हो। मेक श्योर कि आपके मैक्रो के नाम के अंदर स्पेस नहीं आना चाहिए, आप अंडरस्कोर ले सकते हो बट स्पेस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा। ओके कर दो। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे कैसेट का ऑप्शन आ गया, इट मींस मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे ये ब्लू कलर का बॉक्स बन के आया है, इट मींस मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैंने कॉपी करके रखा था, अभी मैं कंट्रोल वी से मेरे जो डॉक्यूमेंट था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ
जो कंटेंट को मैंने कॉपी किया था। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे इसको अभी पेस्ट कर दिया है। अभी मैं मैक्रो में जाती हूँ और मेरी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करती हूँ। मुझे एक्चुअली व्यू करना है कि मैंने मेरी रिकॉर्डिंग में क्या किया था, तो मुझे मेरी रिकॉर्डिंग रन करना है। तो रन करने के लिए मैं कहाँ जाऊँगी, व्यू में जाऊँगी। मेरा मैक्रो का नाम था मैक्रो 6 और मैं यहाँ पे करती हूँ इसको रन। तो यहाँ पे जो मेरा मैक्रो है आपको यहाँ पे रन करके बता देगा। सपोजिंग मैं मेरी ये वर्ड की फाइल पूरी क्लोज कर देती हूँ, पूरी क्लोज करती हूँ, सारे जितने भी मेरे वर्ड के डॉक्यूमेंट्स थे सब मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ। एक फ्रेश वर्ड की फाइल ओपन करूँगी मैं यहाँ पे, एक फ्रेश वर्ड की फाइल मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ। और मुझे जो मैंने मैक्रो मेरा रिकॉर्ड किया था मुझे वो यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, व्यू में जाऊँगी, मैक्रो में जाऊँगी और यहाँ पे मैं करूँगी व्यू मैक्रो। मैक्रो का नाम था मैक्रो 6 और इसको करना है मुझे रन। तो यहाँ पे मेरी जो फाइल है वो रन हो जाएगी। ओके, और लाइव अगर आपको करना है तो लाइव के लिए मैं क्या करूँगी, मैक्रो में जाके रिकॉर्ड मैक्रो करूँगी। मैक्रो का नाम है मैक्रो 7, आप इसको ओके कर दीजिए। और लाइव जो आपको रिकॉर्डिंग देना है आप यहाँ पे लाइव वो रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। आप यहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग आपकी स्टॉप हो गई है। ये रिकॉर्डिंग को आपको देखना है तो आप सेम तरीका है, आप मैक्रो में जाएंगे, व्यू में जाएंगे, मैक्रो 7 करेंगे और मैक्रो को आप यहाँ पे रन करेंगे। ऑलराइट, तो आज हमने हमारा पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ख़त्म किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।